हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आप सबसे के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, सनस्क्रीन किस उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए और सनस्क्रीन लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सनस्क्रीन हमें मुझे लगता है कि धूप की जो ओजोन की किरणें होती हैं वो उसकी जो हार्मफुल रेस होती है वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यू नो, यहाँ तक कि स्किन कैंसर होने तक का भी दावा किया गया है विद दिस काइंड ऑफ रेज। और विटामिन डी हमें बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग की धूप में ही हमें एक्चुअल में अच्छे से विटामिन डी मिल पाता है। उसके बाद दोपहर में जो भी रेज निकलती हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, यू नो, उसी से हमारे स्किन पे जो है स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, मोल्स हैं और पिगमेंटेशन हैं, स्किन डिस्कलरेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसी वजह से होती है। इन सब से प्रोटेक्शन के लिए जो है सनस्क्रीन जो है लगाना बहुत मस्ट है। और मुझे लगता है सनस्क्रीन बच्चों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना बड़ों के लिए। बच्चों के लिए अलग से आता है सनस्क्रीन, तो आप वो ज़रूर अप्लाई करें। और आप जब बच्चे धूप में एक्सपोजर करने लगते हैं और उछलने लगते हैं तो आई थिंक 2 या 2.5 साल के बाद से इट्स सेफ कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें। उन्हें खेलने भेजे धूप में तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें ताकि उनकी स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम से वो बच सके। यू नो, पहले मैं जब छोटी थी मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मेरा कलर जो है बहुत टैन हो गया था। और जब से मुझे इसकी नॉलेज हुई मैंने खुद फ़र्क महसूस किया कि आफ्टर यूजिंग अ सनस्क्रीन क्या रिजल्ट आता है। और आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप अभी तक सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप खुद ही और आप भी स्टार्ट करिए सनस्क्रीन अप्लाई करना। और सिर्फ 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ही आप रिज़ल्ट समझ पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आप जब नहीं लगाते थे सनस्क्रीन तो आपकी स्किन कितनी टैन हो रखी थी, और अभी जब से आपने लगाना शुरू किया है सनस्क्रीन तो आपकी स्किन का जो टैनिंग प्रॉब्लम था वो थोड़ा तो स्टॉप हो जाता है। मतलब और ज़्यादा टैन नहीं होगा, जितना पहले टैन हुआ था उतने पर ही स्टॉप हो जाएगा अगर आप फॉलो करते हैं एक सही प्रोसीजर, जिस तरीके से सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए उस तरीके से। That's why sunscreen is very important for we all of us. So today's topic is ki how to apply sunscreen or why to apply sunscreen. जिन्हें नहीं पता है कि क्यों sunscreen apply करना must है तो उनके लिए ये video है। तो please इस video को पूरा देखें, और अगर video पसंद आ रही है तो उसको like ज़रूर करें और साथ ही अपने friends and family के साथ share करें। और अगर आप पहली बार मेरे इस channel पर आए हैं तो मेरे channel को subscribe ज़रूर करें ताकि आप और ऐसी अच्छी वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन पा सकें और देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सनस्क्रीन कितना मिनिमम लगाना चाहिए और क्या मतलब होता है इसका, SPF 30, SPF 60। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं पहले अगर बात करूँ बीबी क्रीम्स की तो यू नो आजकल बीबी क्रीम्स में, फाउंडेशन में सब में सनस्क्रीन मिक्स आता है। और अगर नेचुरल सनस्क्रीन की बात करूँ मैं तो दही, चावल का आटा, खीरा, ये एक नेचुरल सनस्क्रीन होता है, लेकिन हम इसे लगा करके तो बाहर नहीं जा सकते। और इसको सनस्क्रीन बनाने का प्रोसीजर होता है कि आप होममेड सनस्क्रीन बना सकते हो बट इतना टाइम नहीं होता आज की लाइफस्टाइल में, तो लोग जो है प्रेफर करते हैं रेडीमेड लेना जिसमें कि बना बनाया सब कुछ है, तो दैट्स वाई। और फिर मैं बात करूँगी SPF 30, SPF 60 ये क्या चीज़ होती है। तो अगर आप बाहर नहीं जाते हो, आप एक हाउस वाइफ हो या आपका काम जो है वो सिर्फ ऑफिशियल है, तो आप मिनिमम SPF 30 की जो है वो लगा सकते हैं सनस्क्रीन, ये सेफ रहेगा आपके स्किन के लिए। लेकिन अगर आप फील्ड वर्क में हो और आप अगर कहीं घूमने गए हो जहाँ पे कि आप बीच पे एंजॉय कर रहे हो, तो उन सब जगहों के लिए या आप फील्ड वर्क में जाते हो या आप मार्केटिंग शॉपिंग करने गए हो धूप में, तो उसके लिए SPF 60 बहुत इंपॉर्टेंट होता है अप्लाई करना ताकि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके उन हार्मफुल रेज से। ओके, तो पहले मैं बात करती हूँ बेबी क्रीम्स की। तो ये है आपका ओले की बेबी क्रीम जो कि मैं बहुत अप्लाई करती हूँ, इसलिए ख़त्म भी हो चुकी है, मैंने कई वीडियोज़ में इसको अप्लाई किया हुआ है। तो ये मुझे इसमें SPF 30 होता है, तो ये बीबी क्रीम का भी काम करता है साथ ही मुझे सन एक्सपोजर से भी बचाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ इंस्टेंट विथ यूवी प्रोटेक्शन, तो जो जो भी यूवी रेज आती है ना उससे ये प्रोटेक्शन हमें
प्रोवाइड करता है। तो अगर आप क्या कहते हैं अलग से सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आप डेली बेसिस पर अगर बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं तो आप एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें इसके पहले। और वैसे इसमें मॉइस्चराइज़र भी मिक्स होता है, जो भी बीबी क्रीम्स होती हैं उसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उसको अप्लाई करने के बाद इसको ऊपर से अप्लाई करें बीबी क्रीम्स को, और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही जो है ग्लो भी देती हैं। और दूसरा ही एक ऐसा क्रीम है जो विंटर्स के लिए बेस्ट है इस टाइम, वो है ये लैक्मी 925 का सीसी क्रीम, और ये है SPF 30 PA++, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा होगा। तो इसमें क्लेम करते हैं कि इंस्टेंटली प्रोटेक्ट्स, मॉइस्चराइजेस ब्राइटनेस, इवन स्किन टोन्स, कंसील्स एंड फ्रेश फ्रेशनेस, लाइट कवरेज भी देता है ये, और साथ ही आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है 30 PA++, यानी कि अगर आप घर पे रहते हैं, आपका ऑफिशियल जॉब है, तो ये क्रीम आपके लिए बेस्ट है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट नॉट ओनली वुमेंस, मैन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन। तो मैं सनस्क्रीन की बात कर लेती हूँ, ये तो कुछ बीबी क्रीम्स की बात की। साथ ही कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे आते हैं जिसमें सनस्क्रीन मिक्स होता है, और ऐसे एक प्रोडक्ट है वन ऑफ माई फेवरेट जॉवीज का, आपने देखा होगा इसे, मैंने अपने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में जो है इसी को अप्लाई किया हुआ है। तो ये है कि आर्गन ऑयल, सनगार्ड लोशन, यूवीए यूवीएस प्रोटेक्शन, वाटर रेसिस्टेंट SPF 60 PA++। तो ये आप अगर घर पे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, कि ये 60+ इसमें है, तो ये बहुत अच्छे से धूप से आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, और डेली मॉइस्चराइजिंग है, वाटर रेसिस्टेंस है, हर्बल फॉर्मुलेशन है, और ऑर्गन ऑयल है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और सन एक्सपोजर से हमें बचाता है, स्किन को जो है ऑप्टिमम नरिशमेंट देता है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। और सनस्क्रीन को लगाने का प्रोसीजर क्या होता है कि अप्लाई इवन ऑल ओवर योर फेस नेक बिफोर स्टेपिंग आउट 10 to 15 मिनट्स पहले, आप घर से निकलने के पहले 10 to 15 मिनट्स पहले ही अप्लाई कर लें इसको। और किस तरीके से अप्लाई करना मैं आपको भी बताती हूँ उसका प्रोसीजर। साथ ही इसमें मिक्स है आर्गन ऑयल, ग्रीन टी, पीच एक्सट्रैक्ट, कैमोलिन, ओट ब्रैन, सैंडल एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड ऑयल, ये सारी चीज़ें जो सन प्रोटेक्शन का काम करती है, तो सारी इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिक्स है। तो मैं इसका कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप अपनी फेवरेट सनस्क्रीन कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन, और मैं इससे फ़िलहाल अभी 1 ईयर से अप्लाई कर रही हूँ। दूसरा है पतंजलि की सनस्क्रीन, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है, इसका प्राइस मैंने आपको नहीं बताया, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, 335 का है ये, बट साथ ही पतंजलि का सनस्क्रीन है ये 100 रुपीज़ का पड़ जाता है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है और बहुत अच्छे से स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये, लेकिन ये भी जो है वो SPF 30 विथ नेचुरल मॉइस्चराइजर, तो ये भी अगर आप घर पे रहते हो या आपका ऑफिशियल वर्क है तो उसके लिए बेस्ट है, मेल और फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर्बल ब्रांड है ये भी और बहुत अच्छा है, और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसमें मिला हुआ है आपका घृत कुमारी, गेहूँ का तेल, नारियल का तेल, खीरा, मेथी, हल्दी, ये सारी चीज़ें ही जो है सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छी होती है। दूसरा मैं बात कर रही थी VLCC का ये सनस्क्रीन, दिस इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ माई फेवरेट, हालांकि मैंने VLCC का कभी सनस्क्रीन ख़रीदा नहीं, ये मुझे ऑलरेडी मिल जाता है इस तरीके की फेशियल किट के साथ, जो कि मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ अपने घर पर, मैं इसका आपको ज़रूर ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है और वो मुझे मिल जाता है, और ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही यू नो लिक्विड बेस में इसका जो है सनस्क्रीन होता है। तो भी क्या है कि इसको एक बार आपने खोल दिया ना तो आपको रेगुलरली अप्लाई करना होता है, अदरवाइज ये सूख जाता है इसका, क्योंकि कवर बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है इन्होंने, तो अभी ये फ़िलहाल सूख गया है या निकल गया,
क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही। तो मैं आपको दिखा दूँगी, देखिए कितनी लाइट कंसिस्टेंसी है इसकी। और मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको अपने हैंड पे। आप देख पा रहे हैं कितनी जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है और एकदम स्टिकीनेस नहीं है। और इसको लगाने के बाद ना, अगर आप बहुत हीट में जा रहे हो और आप फेस कवर नहीं करना चाहते हो, किसी ऐसे ओकेजन पे जा रहे हो, तो ये आपके स्किन को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ना, फील ही नहीं होता है कि हम धूप में जा रहे हैं। एक लाइक कि हमने अम्ब्रेला लिया हुआ है, इस टाइप की फीलिंग्स आती है। ये देखिए थोड़ा सा शाइन है, ये सारी क्रीम्स में अवेलेबल रहता है कि वो आपको शाइन देते हैं थोड़े से, पर ये जस्ट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये शाइन भी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आप देखिए अभी तो आप देख पा रहे हैं, तो ये वन ऑफ माई बेस्ट रिकमेंडेशन है। ये भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन है और मुझे ये बहुत पसंद है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। मैं इसको बैग में भी रख के इजीली ले जा सकती हूँ, तो मैं जब भी बाहर ले जाने की बात होती है तो मैं बैग में इसी को लेकर के जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पे ये अप्लाई करती हूँ, तो ये दोनों माई फेवरेट है। मैं इसका भी आपको डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत यू नो हाइजीन प्रूफ है, ऐसे निकलता है, तो हमें हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा क्वांटिटी निकलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हल्का सा प्रेस करते हैं और इतना बहुत इनफ है हमारी स्किन के लिए। तो आप ये देखिए एकदम मक्खन जैसा है ये, बहुत इजीली ये भी ब्लेंड हो जाता है क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंस है, इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से देखो पूरे हाथ पे स्प्रेड हो गया मेरा, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी। ये देखिए अब देख पा रहे हैं, साथ ही मॉइस्चराइज भी कर रहा है और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है स्किन को। पतंजलि का आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं और आप अभी पहली बार सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर इन्वेस्ट ज़रूर करिए। 100 रुपीज़ का 50 ग्राम मिल जाता है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी ब्लेंड होता है ये भी, वन ऑफ द बेस्ट है। साथ ही मैं बात कर लूँ अगर किसी कुछ पाउडर की, क्योंकि आप अगर कहीं बाहर गए हैं और आप वहाँ क्रीम नहीं अप्लाई कर सकते हो, सनस्क्रीन क्या है कि हमें हर 3 घंटे पर अप्लाई करना चाहिए। और सनस्क्रीन हमें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, टैप 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 करके, जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करते हैं, इसी तरह से हमें अपने हैंड से इसको टैप टैप करके जो है इसको अप्लाई करना होता है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद आप जो है सनस्क्रीन को ऐसे टैप करके अच्छे से अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ आप जो है ये अगर मॉइस्चराइज़र विद सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी इसी तरीके से अप्लाई करिए। पहले इसको आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन को थोड़ा अच्छे से ही ना स्किन को एक लेयर देनी होती है, तो उस तरीके से अप्लाई करें। अगर आप कहीं बाहर गए हो तो आपको हर 3 घंटे पे ना, अगर आप धूप में हो तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो बार बार क्रीम लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो है कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। तो ये लैक्मी का कॉम्पैक्ट है, परफेक्ट रेडियंस, और ये SPF 23 है विथ UVA UVB प्रोटेक्शन, आपके स्किन को ये देता है। साथ ही इसमें मल्टी विटामिन SPF 23, विटामिन B3, लाइट वेट, ऑयल फ्री, सुटेबल फॉर एवरीडे यूज़। आप घर पे भी हो, अगर एवरीडे यूज़ करना चाहते हो आप, यू नो बार बार क्रीम नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो ये कॉम्पैक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ इसका। देखिए ये इजीली ब्लेंड हो गया है, तो ये बहुत अच्छा है आप इसको, और ये बजट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और आई थिंक ये इसका प्राइस इसमें क्लियर मेंशन नहीं है, मुझे याद नहीं मैंने कितने का लिया था, बट ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आई थिंक आपको 150 तक में ये मिल जाएगा। वन ऑफ द ऑप्शन दूसरा है कि कलर सेंस का, ये गोल्ड वाला है, और ये मुझे इसमें भी SPF है, और साथ ही ये 450 का पड़ जाता है। ये थोड़ा सा यू नो उसका प्राइस शेड प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये भी आपको बहुत अच्छे से सनस्क्रीन का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है स्किन को।
और कुछ ना लिपस्टिक्स में भी जो है वो सनस्क्रीन मिक्स होता ऐड होता है ताकि आपके लिप्स को भी वो प्रोटेक्ट कर सके। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेना तो उसमें ज़रूर चेक कर लें कि उसमें मेंशन है कि नहीं ये चीज़ें, SPF 30, SPF 60, UV एंड UVB प्रोटेक्शन। साथ ही अगर ये आपका PA++ है तो ये बहुत बेस्ट होता है, यू नो बहुत हार्ड रेज, बहुत कड़ी धूप में भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। अगर अभी तक आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना शुरू नहीं किया है तो आपको श्योरली अब शुरू कर देना चाहिए। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉइंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।